मैम लुक गया बेसिकली सबसे पहले तो जाना चाहिए कि होम्योपैथी के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप भी यहाँ पर क्या थॉट है आपके, क्या होम्योपैथी के साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है कुछ सालों से। मैं मिली थी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट अ वेरी गुड होम्योपैथ, ग्रेट डॉक्टर, डॉक्टर शंकरन फ्रॉम दी अदर सॉन्ग क्लिनिक। और उसके बाद मुझे कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कंप्लीट चेंज, माइंड बॉडी सोल। इट इज़ नॉट जस्ट हीलिंग द इलनेस, इट इज़ हीलिंग द पेशेंट, द एंटायर पर्सन, एंड इट इज़ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और हर पेशेंट के लिए ये एक बहुत सुंदर अनुभव है कि उन्हें जो है एक डॉक्टर कंपैशन और मीठी गोलियों से ट्रीट करता है, और उन्हें महसूस होता है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो होम्योपैथी हैज़ ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग। ये मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ फिल्म के मेकर्स को, जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है एक फिल्म बना के, इतनी सुंदर अवेयरनेस। सो माय बेस्ट विशेस एंड टू ऑल द डॉक्टर्स ऑफ होम्योपैथी। आपको कभी इस तरह से इनिशिएटिव के ऊपर फिल्म या होम्योपैथी की बात करें, होम्योपैथी के ऊपर फिल्म हम आपको देखेंगे, आप अच्छा लगती है इस तरह से कुछ कहने की? जी बहुत अच्छा लगती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे साथ ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ उन सभी के साथ मिरेकल्स हुए हैं। जब एलोपैथी में ऐसा लगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, वहाँ होम्योपैथी के पास इलाज था, इसलिए हमने ये प्रूफ देखा है। और ज़रूर मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ना चाहूँगी। मेरे प्रोजेक्ट्स जो एक्टिंग के हैं वो टेलीविज़न का तो है ही, उसके अलावा जो है मेरे क्लासिकल डांस के शोज़। सोलो तो ले, तेरा कंप्लीट कर, मैं इंटरव्यू कर रही अच्छा, पर कितना लेने का? फोटो ही तो ले रहा है ना, हो गया। अरे पर हम मालूम सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे होम्योपैथी के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट, हमने देखा है ब्यूटीफुल स्पीच भी दी आपने, क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा दिन गया आज, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत फिल्म देखने को मिली होम्योपैथी पे। और इसकी कदर तो वही कर सकते जिन्होंने वाकई फ़ायदा लिया है होम्योपैथी से। मेरी अपनी फैमिली करीब 35-40 साल से होम्योपैथी पे है, मेरा बेटे ने आज तक 15 सालों में एंटीबायोटिक नहीं ली, इतने हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि होम्योपैथी पे ट्रस्ट करें एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर, बहुत ज़रूरी है। और कई मेरे एक्टर दोस्त हैं, फिल्म मेकर दोस्त हैं, सबको मैं यही बोलता हूँ कि ये मत सोचें कि
इस सवाल का क्या क्या महत्व है इलाज पे, क्योंकि इलाज पूरे आपके जो है वो स्वभाव पे होता है, आपके नर्वस सिस्टम पे होता है, आपके पूरी अस्तित्व पे होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा टाइम दें और बिल्कुल जल्दी का ना सोचें, बिकॉज ये प्रॉपर हीलिंग है। फिल्म भी देखी सर आपने, हमें देखा, फिल्म आपको कैसी लगी और फिल्म के बारे में बहुत पहली बार घूमने पे थे, तो फिल्म भी दिखाई। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मेहनत से बनाई, बहुत लगन से बनाई, और ये समझ में आता है कि जो फिल्म मेकर है वो कितना प्यार करते हैं होम्योपैथी से। और मुझे याद है कि हमारी भी एक फिल्म हम साथ साथ में, हम लोगों ने एक सीन था जिसमें मोनीश का हाथ ठीक हुआ, तो हम प्रॉपर होम्योपैथी से ठीक हुआ ये हम लोगों ने बताया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये अवेयरनेस लाना, और मैं आई एम श्योर कि ये जो फिल्म है उसमें बहुत अवेयरनेस होगी। हाँ जी बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि क्योंकि फिल्म का जरिया है हमारा, तो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा तो ज़रूर हम यूज़ करेंगे होम्योपैथी का। अरे वो अभी तो देखा नहीं, अगर ज़रूरत होगी, अगर कहानी है तो ज़रूर करेंगे। आगे अपकमिंग के प्रोजेक्ट के बारे में, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट इस समय हमारा जो फोकस है इस साल वो टेलीविज़न पे है, हमारे दो शोज़ ऑलरेडी हैं, एक और अभी इस साल आएगा, और कई फिल्मों की तैयारी है जो नेक्स्ट ईयर के लिए। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.